हाल ही में एक्टर पारस कलनावत को अनुपमा शो से बाहर कर दिया गया क्योंकि उन्होंने एक नया शो साइन कर लिया। खुद पारस ने बीते कुछ दिनों में काफी बातें खुलकर शेयर की हैं। हालांकि उन्होंने अनुपमा में समर का किरदार निभाने का मौका देने के लिए कास्ट, क्रू और प्रोडक्शन हाउस को शुक्रिया भी अदा किया है। वहीं इसी के साथ अब पारस ने पर्दे के पीछे के कुछ ऐसे राज खोल डाले हैं जो हर किसी को हैरान कर रहे हैं कि आखिर कैसे उन्होंने इस शो के लिए शूटिंग की थी, किन किन हालातों में और किन किन बातों का उन्होंने शो में सामना किया था। जी हाँ, पारस ने ये फैसला यूं ही नहीं लिया। अपने खुलासों में पारस ने चार बड़ी बातें कही हैं। क्या हैं वो बातें, आप भी सुनिए जरा। पहला खुलासा, पिता की मृत्यु के तुरंत बाद उन्होंने शूटिंग शुरू की। एक इंटरव्यू में पारस कलनावत ने खुलासा किया कि उनकी लाइफ का सबसे कठिन पल वो पल था जब उन्हें अपने पिता के निधन के 4 से 5 दिनों के अंदर ही अनुपमा की शूटिंग फिर से शुरू करने के लिए कहा गया था। पारस ने इसी साल मार्च में अपने पिता को खो दिया था। ऐसे में पारस ने बताया कि अपने पिता को खोने के बाद शूटिंग फिर से शुरू करना उनके लिए बहुत मुश्किल था। उस दौरान अनुपमा के कई स्टार्स कोविड पॉजिटिव थे जिसके कारण प्रोडक्शन टीम ने उन्हें फोन किया और उन्हें शामिल होने के लिए कहा। ये एक बहुत ही भारी निर्णय था लेकिन उन्होंने अनुपमा को चुना और अपनी माँ, रिश्तेदारों और सब कुछ छोड़कर वो शो में शामिल हो गए। दूसरा खुलासा, नहीं होते थे डायलॉग्स। बता दें कि प्रोडक्शन हाउस ने पारस पर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का आरोप लगाया जिसको लेकर अब पारस ने अपना पक्ष रखा है और खुलासा किया कि उनके कॉन्ट्रैक्ट को लेकर मेकर्स कुछ नहीं करते थे, कुछ नया नहीं करते थे उनके किरदार को लेकर। पारस बताते हैं कि वो 20 से 30 पेजेस के सीन में बिना डायलॉग्स के बस खड़े रहते थे। मेकर्स भी यही चाहते थे और वो ऐसा एक्टर बनने के लिए तैयार नहीं थे। तीसरा खुलासा, प्रोडक्शन ने दिया था जिया मानिक का उदाहरण। बता दें कि जब साथ निभाना साथिया शो का पहला सीजन खूब कमाल कर रहा था तो उस वक्त शो की लीड एक्ट्रेस जिया मानिक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था जहां उन्हें साथ निभाना साथिया के मेकर्स ने रातों रात रिप्लेस कर दिया था क्योंकि उन्होंने झलक दिखलाजा में हिस्सा ले लिया था। वहीं पारस ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि प्रोडक्शन हाउस ने उन्हें जिया मानिक का उदाहरण दिया था। हालांकि पारस को लगता है कि हर एक्टर की अपनी एक जर्नी होती है और हर किसी को अपने लिए चुनने का अधिकार है। पारस ने यह भी कहा कि समर के रूप में नए एक्टर को प्यार मिले वो ये चाहते हैं। और चौथा खुलासा, मेकर्स नहीं चाहते थे झलक दिखलाजा करे पारस। पारस ने इंटरव्यू में इस बात का खुलासा भी किया है कि अनुपमा के मेकर्स नहीं चाहते थे कि वो झलक जैसा डांस रियलिटी शो करे। पारस के मुताबिक जब उन्होंने मेकर्स से अनुपमा और झलक दोनों शो करने की बात कही तो मेकर्स ने उन्हें कहा कि स्टार प्लस और कलर्स प्रतिदिन के शो हैं और उन्हें किसी एक ही शो को चुनना होगा और अगर वो झलक दिखलाजा शो को चुनते हैं तो वो अनुपमा नहीं कर पाएंगे।